सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो कि अभी हम माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं। तो गाइस आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं बेड और बनाने वाले हैं एक और साइज के साथ एक बनाने वाले हैं हम फार्म। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको आज मैं बनाने वाला हूँ एक फार्म। यस गाइस आज हम बनाने वाले हैं फार्म। तो गाइस फार्म बनाने के लिए आपको चाहिए पहले तो सीड, वाटर बकेट एंड होए। तो गाइस पहले तो सीड कलेक्ट करने के लिए आपको जो ग्रास दिख रही है गाइस इसको तोड़ लेना है। तो मैं भी इनको ग्रास को तोड़ता हूँ जिससे मुझे मिले सीड्स। इसलिए मैं गाइस आज बाहर आया हूँ अपने घर से। तो गाइस देखते हैं कब सीड मिलता है हमें। तो गाइस एक सीड मिल चुका है, आप देख सकते हो दो सीड मिल चुके हैं। मैं शॉवल से तोड़ता हूँ, क्या पता मुझे जल्दी मिल जाए। गाइस कोशिश तो मैं यही करूँगा कि मुझे फटाफट से मिल जाए, क्योंकि फिर रात होने के पहले मुझे दो तीन सामान और कलेक्ट करना है। तो गाइस मुझे अभी दो सीड मिले हैं और मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो इसके कलेक्ट करने की गाइस एक और ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हमें करना चलना पड़ेगा घर में। तो मैं पहले चलता हूँ घर में। मैंने करा गेट बंद और यहाँ मैं आ गया घर में। सो गाइस उसके लिए आपको चाहिए आयरन, तो जो मेरे पास है। तो गाइस आपको तीन आयरन की ज़रूरत पड़ेगी एक बकेट बनाने के लिए। तो आपको एक ऐसे रखना है और एक ऐसे रखना है। तो ये बन गई आपकी बकेट, इसको मैं कुछ लेऊंगा, मैं लूँगा बकेट को और बाहर चले जाऊँगा और इसमें पहले भरूँगा वाटर। तो ये मैंने उठाया यहाँ से वाटर। और गाइस सबसे अच्छी ट्रिक है कलेक्ट करने की कि आप कहीं भी एक ब्लॉक लगा के इसके ऊपर खड़े हो जाओ और यहाँ पर डाल दो वाटर, तो जितनी भी ग्रास गाइस सब टूट जाएगी अपने आप ही। और आप बाद में उस ब्लॉक को उठा कर देख सकते हो कि कहीं पर सीड है नहीं है, तो हम देख और कहीं पर डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाला तो यहाँ पर सिर्फ ढलाने की वजह से नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर ढेर सारी है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो देख यहाँ इतनी सारी ग्रास फटाफट से टूट रही है। और आप देख सकते हो कि सामने मुझे एक सीड दिख रहा है। तो गाइस ये देखो मुझे एक सीड और मिल चुका है, कलेक्ट कर लिया है जो मैंने। गाइस अभी हम इतनी सीड रखते हैं और एक और मिल जाएगा गाइस। तो अभी हम चलते फटाफट से घर में और हमें एक और चीज़ क्राफ्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ क्राफ्ट कैसे कर सकते हैं। सो गाइस उसके लिए हम आ चुके हैं घर में और हमने खोली क्राफ्टिंग टेबल। हमारे पास एक स्टिक तो हमें क्या प्लैंक पड़े हैं, ये मैंने बनाई एक और स्टिक। ये रखे प्लैंक, यहाँ पर रखी स्टिक। और हमें चाहिए कि आप तो आयरन से भी बना सकते हो या कोबलस्टोन से बना सकते हो। तो मैं कोबलस्टोन के बनाऊँगा। तो आपको दो कोबलस्टोन ऊपर से ऐसे रखना है, यह बन जाएगी आपकी होए। सो होए का आपका यूज़ ये रहेगा कि होए से आप जो है सामान को मतलब खेत जैसा कर सकते हो गाइस। आप सरफेस में आपको बताता हूँ, चलो। तो गाइस मुझे कोई से अच्छी जगह नहीं मिलती, तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ खेत। तो गाइस खेत बनाने के लिए हमें तो पहले करना पड़ेगा डिक, एक एक ब्लॉक जिसमें हम वाटर भर सकें, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया डिक चार ब्लॉक्स का। इसके अंदर मुझे यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा वापस, क्योंकि अगर गाइस मैं पानी डालूँगा तो इस ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा पानी वाटर, तो उसको वो नहीं होना चाहिए। तो ये जिधर से मैंने डाला पानी, अब मैं इसको कर देता हूँ अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड करने के लिए आपको यहाँ से उठाना है ऐसे वाटर और एक ब्लॉक छोड़कर आपको डाल देना, जैसे कि यहाँ पर डाला है मैंने। तो इसको इस वाले ब्लॉक को छोड़कर यहाँ पर डाल दो, सॉरी गलत बोला, यहाँ पर डाल दो। तो ये हो गया गाइस अनलिमिटेड वाटर सोर्स। अब यहाँ पर से उठा के आप यहाँ भी डाल सकते हो गाइस। ये हो गया हमारा पूरा अनलिमिटेड। मुझे यहाँ पर सीड दिखा है तो इसलिए मैं यहाँ पर भाग के आया हूँ। तो ये देखो मुझे यहाँ पर से एक सीड और मिल चुका है। तो मेरे पास पांच सीड हो चुके हैं। मुझे चाहिए होए और मुझे इसे फटाफट से ऐसे खेत जैसा कर देना। तो ये देखो ये हो गया, ये आप देख सकते हो कि मुझे फटाफट से यहाँ पर सीड लगा देना है और ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे बहुत ही जल्दी। तो गाइस अभी मुझे चाहिए शिप्स। तो गाइस आप देख सकते हो सामने एक शिप है, मुझे बनाना है बेड। तो बेड बनाने के लिए मुझे शिप्स का वूल चाहिए। तो गाइस वूल कलेक्ट करने के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको एक से अनेक चाहिए वूल एक शिप से, तो आप बना सकते हो शेयर। तो गाइस ये होता है शेयर, दो आयरन से बन जाता है। तो ये देखो ये मैंने क्राफ्ट कर लिया शेयर, और मैं अगर इसके पास जा के शेयर करूँगा तो मुझे एक से अनेक देगी गाइस। ये भी इसने कितने दिए मुझे, इसने एक ही दिया, पर इससे एक से अनेक भी देती है।
तो गाइस देखो सामने एक और है ना, तो मैं इससे लेके बताता हूँ आपको। ये मुझे लगता है एक से अनेक देगी मुझे शेयर करने पर, तो मैं फटाफट से चलता हूँ इसके पास और शेयर करता हूँ। तो गाइस मैं इसके पास आ चुका हूँ, अब देखना ये मुझे शायद एक से दो देगी। तो गाइस आप देख सकते हो कि इससे मुझे दो दिए हैं, तो मेरे पास तीन दिए गाइस, उसमें एक ने मुझे। गाइस इसका एक चीज़ और हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ। रुको, बकेट को अंदर रख के यहाँ पे एक स्पेस करता हूँ। और गाइस अगर आप चाहो ना तो इससे ग्रास भी कलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इससे शेयर से ऐसे करा। तो गाइस देखो ग्रास आ चुकी है मेरे पास। वाओ कितना मस्त, मतलब इसको डेकोरेशन करने के लिए भी लगा सकते हो। गाइस ये देखो मैंने कितनी सारी ग्रास इकट्ठा कर ली, ये ली है मैंने। और इससे आप ये वाले जो आप देख रहे हो ना लीव ब्लॉक, इसको भी कलेक्ट कर सकते हो, जो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो गाइस मेरे पास 7 लीव ब्लॉक भी कलेक्ट हो चुके हैं, इससे भी हम अपने घर में डेकोरेशन कर सकते हैं। इन सबका हम यूज़ करेंगे जब हमारा एक अच्छा सा घर बनाएंगे तब। सो गाइस अभी मैं बनाने वाला हूँ बेड, जाके फटाफट से चलते हैं बेड बनाने। गाइस अभी बंद कर देते हैं डोर, और मेरा हेल्थ फूड आप देख सकते हो कितना कम हो चुका है ऊपर की तरफ, तो मुझे खाना भी पकाना पड़ेगा। तो मैं फर्नेस में फटाफट से खाना पकाने के लिए डाल देता हूँ। तो मेरा 4 शिप व्हीट है, तो मुझे बनाना है बेड। तो बेड बनाने की रेसिपी कुछ इस तरीके से है, मतलब ये तरीका है बेड बनाने का। आपको चाहिए वूल एंड प्लैंक्स, तो ये से आपको रख देना है 3 वूल। ये बन गया आपका एक ब्रेड बेड, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये देखो गाइस इसको मैंने ऐसे रख दिया। और मुझे अगर इसका कलर भी चेंज करना है वाइट से, तो मैं फ्लावर्स का यूज़ करके कर सकता हूँ। जैसे एक फ्लावर ये रहा, एक फ्लावर येलो वाला ये रहा। मैं चाहूँ तो इनके डाय बनाकर भी इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये हम हमारे पास जो 4 ब्लॉक्स की क्राफ्टिंग मिलती है उससे भी कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ रखना है बेड, सॉरी उसके पहले आपको इसका डाय बना लेना है। इसका भी मैं डाई बना लेता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर इसको रखूँगा तो ये बन गया ग्रे बेड, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको रखा तो ये बन गया हमारा येलो बेड। गाइस मेरे को जो येलो कलर थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर येलो कलर से बना लिया है येलो कलर का बेड। तो मैं इसे जल के लगा देता हूँ। गाइस मैं इसको लगाऊंगा थोड़ा सा डिक करके, क्योंकि मुझे अगर मैं ऐसे लगा दूंगा 2 ब्लॉक्स पे, तो मैं जैसे उठूंगा मैं इस डर्ट के अंदर मुझे खड़ा कर देंगे बेड के ऊपर। तो गाइस उस वजह से मैं मर भी सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे एक डिक करके लगाऊंगा, जिससे हमको क्या ये ऐसे जाकर ऐसे खड़े कर देंगे, तो हमें क्या दिक्कत हो जाएगी। अगर हम ऊपर रखेंगे तो गाइस हमें इसके ऊपर पहुँचा देंगे, जिससे हमारी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए हमें खाना पक चुका है, तो मैं फटाफट से खाना खाता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कितना सही तरीके से आज हमने इतना सारा काम करा है। तो गाइस आप देख सकते हो रात भी हो गई है। सो गाइस आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।